जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है डिवोशनल पॉइंट में। एक बार फिर से डिवोशनल पॉइंट आप सभी भक्तों के लिए नए और ताजे नजारे की वीडियो लेकर हाजिर है। जो नजारा आप सभी भक्त सामने देख पा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के कटरा मार्केट का नजारा है और यहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ हुआ करती थी अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें, बट जब से लॉकडाउन है यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी दुकानें नहीं खुली हुई है, ना ही कोई ढाबा खुला है, ना ही कोई होटल खुला हुआ है। और यहाँ पर ये कहना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कितने दिनों के बाद ये लॉकडाउन खत्म होगा, फिर से सभी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे और कब से ये दुकानें फिर से खुलने वाली है। और यहाँ पर आप सभी भक्त माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, पिंडी रूपी दर्शन। और कितने भव्य तरीके से माता रानी यहाँ पर विराजमान है, अद्भुत तरीके से माता रानी भवन में विराजमान है। और यही अद्भुत दर्शन करने के लिए भक्त जन पूरे भारत वर्ष और देश विदेश से माता रानी के दर्शन करने आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और दुर्लभ दर्शन भी माने जाते हैं। जहाँ पर आप सभी भक्त जो सामने वीडियो देख रहे हैं, 5 अप्रैल का वीडियो जो कि कटरा का वीडियो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोग प्रधानमंत्री की बात मानते हुए रात को 9 बजे 9 मिनट तक यहाँ पर दीपक जलाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग लाइट जला रहे हैं। अपने अपने तरीके से सभी लोग एक दूसरे का साहस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और कोरोना जैसी जो महामारी है उससे लड़ने में एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, जो कि अपना में बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ सभी भक्तों के लिए कि यहाँ पर सभी भक्त काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा भ्रमित है कि 14 तारीख के बाद जो है लॉकडाउन खुलेगा या फिर नहीं। तो मैं सभी भक्तों को एक बार फिर से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि 14 तारीख के बाद पूरे तरीके से लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा सभी लोगों के लिए, ये तो स्पष्ट रूप से है। साथ ही साथ अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि 14 तारीख के बाद ट्रेन चलेगी या फिर नहीं। अभी हालांकि ट्रेन की जो बुकिंग है वो चालू हो चुकी है IRCTC की तरफ से, बट जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अभी जो एसेंशियल ट्रेनें हैं या फिर जो ऐसी ट्रेनें हैं जो कि काफी स्पेशल ट्रेनें मानी जाती है, जैसे कि शताब्दी हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, दुरंतो, इस तरीके की जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें पहले चलाई जाएंगी। जहां से भी जिस भी राज्य से वो ट्रेनें ऑपरेट करती है वहां से वो ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है कि किस डेट में ये ट्रेनें चालू होंगी चलनी। वहीं अगर मैं बात करूं श्राइन बोर्ड की, अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि श्राइन बोर्ड किस डेट में माता वैष्णो देवी की यात्रा चालू करेगा। वहीं मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही निवेदन है कि भले ही हमारी सरकार 14 तारीख के बाद में यानी कि 14 अप्रैल के बाद में लॉकडाउन में थोड़ी सी ढिलाई बरते, पर आप सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, आप सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। अगर हर व्यक्ति अपना जिम्मा खुद ले लेता है अपनी सुरक्षा का, तो मेरे ख्याल से इस कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं। वहीं ऐसे सभी भक्त, ऐसे सभी लोग जिन्होंने पहले से अपनी ट्रेन की टिकट बुक करा ली थी या फिर वैष्णो देवी में किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी वेबसाइट से, तो ऐसे सभी भक्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका रिफंड अगर अभी तक नहीं आया है तो लगभग रिफंड आने में 7 से 9 दिन लगते हैं। मान लीजिए आपने 1 तारीख की कोई बुकिंग करी थी, भले ही वो रेलवे की हो या फिर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से की हुई कोई भी बुकिंग हो किसी भी प्रकार की, तो वहां पर आपको रिफंड आने में 1 तारीख के बाद से 7 से 9 दिन लगेंगे, यानी कि आपका रिफंड लगभग 8 से 9 अप्रैल तक यानी कि 10 अप्रैल तक आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, उसी बैंक अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट में आपने बुकिंग की थी, जिस बैंक अकाउंट से। वहीं मैं ऐसे सभी भक्तों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने बुकिंग ऑफलाइन की थी ट्रेन की, ऐसे सभी भक्तों को घबराना नहीं है, वो अपना टिकट दिखाकर बाद में जब कोरोना वायरस पूरी तरीके से हमारे भारत से चला जाएगा, लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा, सभी भक्त सुरक्षित होंगे, तब आपको किसी भी रेलवे स्टेशन जाना है जो आपके नियर बाय रेलवे स्टेशन होगा और वहां पे आप अपना ओरिजिनल टिकट दिखाकर जो आपका रिफंड है, जो आपका पैसा है, वो आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत मददगार होगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप सभी भक्त इस वीडियो को सभी माता के भक्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि घर बैठे सभी भक्तों को सही और सटीक जानकारी जरूर मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने का। मैं आशा करता हूं आप सभी को जल्द से जल्द माता रानी दर्शन के लिए बुलाएगी और आप सभी की यात्रा संपूर्ण भी बनाएगी। तो जय माता दी। डिवोशन बन को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।